आप ये कह रहे हैं तुमसे कि आप जिस भी टॉपिक पर बात करेंगे टॉपिक से हटकर नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, ठीक जी है? और कोई बदतमीज नहीं, कुछ नहीं, इसको वो तो बरेलवियों की सिफत है भाई। कोई बात ना, बरेलियों की सिफत है, तुम्हारी सिफत है, तो बाद में पता चल जाएगा। लेकिन बात यह है कि आप जो टॉपिक से नहीं हटेंगे और दूसरी बात ये किसी भी तरह की कह तो बदतमीजी रहा से हूँ बात नहीं ये करेंगे। सिफात बरेलवी में है कि अगर वो टिक कर बात कर जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। अच्छा अगर एक टॉपिक पे अच्छा वो रह कर बात कर लेना तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। हाँ, दो दो तो मैट जान लगेगी, ठीक हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। है? आगे उनके बीच में बोलेंगे, वो तुम्हारे बीच में। तो हाँ जनाब, आपका नाम मैं जान सकता हूँ आपके? मेरा नाम मोहम्मद रजा है मोहम्मद रजा साहब, जी। आप मसलक अहले हदीस यानी गैर मुकल्लिस से ताल्लुक रखते हैं जी मौसूफ। जी? आप किसी इमाम के तकलीद के कायल नहीं हैं? जी आप किसी इमाम के तकलीद के कायल नहीं हो ना? यानी तकलीद मोहताज है किसी इमाम की या मुतलक साबित है ये? नहीं, आपके नज़दीक जो, इसलिए गैर मुकलिद कह रहा हूँ आपको कि आप किसी इमाम की तकलीद नहीं करने करते हैं। आप अपना इस्म गिरामी बताना पसंद करेंगे? हाँ मैं जसीम अख्तर रजवी बात कर रहा हूँ, चेन्नई से। तो जसीम साहब, मैं ये कह रहा हूं कि तकलीद क्या शख्सियत की मोहताज है या मुतलक साबित है? नहीं, आप तकलीदे शख्सी हम लोग करते हैं, तो बहरहाल नहीं, मैं ये नहीं आपको पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ जी तकलीद मुतलक साबित है या शख्सियत की मोहताज है। जैसे कि इताअत जो है कुरान की वो मुतलक साबित है, इत्तबिउ मा अुनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, ये मुतलक है। जी शख्सियत मोहताज है इताअत की यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या तकलीद मोहताज है शख्सियत की? मैं आपको इसलिए मैं कहा कि आप गैर मुकलिद हैं, किसी इमाम के तकलीद के आप कायल नहीं हो। आप शख्सी और मुतलक के तकलीद के मौजू पे तो बात नहीं करूंगा अभी मैं। बहरहाल मैं आपको अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात के मुतालिक मैं आप लोगों का अकीदा जानना चाहता हूँ कि अल्लाह जी रब्बुल इज़्ज़त के मुतालिक जो आप लोगों का अकीदा है कि अल्लाह झूठ बोलने पर कायल है ना? अल्लाह तबारक व ताला का झूठ बोलने पर कादिर है कहना, ये आइन ईमान तस्लीम करते हैं। और अफाले कबीहा यानी मकदूरे बाली ताला, यानी अफाले कबीहा यानी बुरे अफाल पर भी वो कर सकता है, यानी बुरा काम भी कर सकता है। अल्लाह तबारक व ताला के मुतल्लिक जो आपका अकीदा है मैं हवाला दूंगा आपको। और अल्लाह तबारक व ताला इस तरह कादिर है कि अपने मिसल भी बना सकता है, जिसे आप लोगों की किताबों में मौजूद है ना? अल्लाह तबारक व ताला जिस सूरत में चाहता है वो सूरत अख्तियार करके नाजिल होता है, जुहूर होता है। और अल्लाह तबारक व ताला की रहने की जगह अर्श आजम है, जो आसमान से, सातवें आसमान से ऊपर में है। एक हदीस बुखारी शरीफ में तो आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी गुलाम गुलाम औरत से पूछा, तो उन्होंने आसमान पे बताया, वहां हालांकि नफी करना था, मकसूद था। बहरहाल आप लोगों का अकीदा है कि अर्श का जो मुनकिर हो, यानी अर्श के अलावा जो आसमान पर माने या किसी जगह, आसमान तो दूसरे मखलूक है, उस जगह माने तो वो काफिर होगा। जैसा कि इस्तवा अलल अर्श सफा नंबर 35 में आपके मौलवी अब्दुल जब्बार सलफी अहले हदीस ने लिखा है। बहुत सारे हवाला मेरे पास मौजूद हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या अल्लाह तबारक व ताला आप लोगों के अकीदे के मुताबिक क्या अल्लाह झूठ बोल सकता है? बुरे काम करने पर वो कादिर है, और कादिर नहीं मानने वाला ईमान से खारिज मानते हैं। अफाले बुरा काम करने ना करे उसका अकीदा नहीं मानने वाले को आप लोग काफिर समझते हो। आपका क्या मौकिफ इस पर है, और आपका क्या ईमान है? क्या आपके अकाबिर सच्चे हैं या आप सच्चे हो? जैसे कि इसमें लिखी हुई है, मैं हवाला दूंगा आपको इंशाल्लाह, तो आप बता दें मुझे बिलतफसील ताकि आवाम जान ले कि वहाबियों का अकीदा यानी गैर मुकलिद का अकीदा इस तरह है या नहीं है। यहाँ पे आपने बहुत सारे मौजूदात को जो है तज़किरा किया है, और एक बात आपने यहाँ पर वजाहत करने की और मुग़ालता देने की कोशिश की है कि अल्लाह तबारक व ताला को उस लोंडी ने नफी की थी आसमान पे गिर कर। मैं जानना चाहूंगा कि वो नफी किस चीज की थी? अर्श की नफी थी?
या आपके अकीदे की नफी थी। आपका ये कहना कि उस लोंडी ने ये कहा था कि अल्लाह आसमान पर है, एक में आया है फिसमा और एक में आया है इलसमा, और अरबी का कायदा है लफ्ज फी भी फौक के माने में इस्तेमाल हुआ यानी आसमानों के ऊपर है, और अरबी में इसके बहुत सारे कवानीन में कुरान हदीस से दिखा दूंगा। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि उस लोंडी ने नफी की थी, क्या आप अल्लाह तबारक व ताला के अर्श का इनकार करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला अर्श पर मुस्तवी नहीं है? अगर आप इस अकीदे का इनकार करते हैं तो इस अकीदे पे बात हो जाए कि आया आप अल्लाह तबारक व ताला की जात को, उसकी जिहत को तस्लीम करते हैं या अल्लाह तबारक व ताला की जिहत का आप इनकार करते हैं, इसकी वजाहत हुआ करते हैं। और एक वक्त में एक ही मौजू रखें, अभी हम बात कर लेते हैं एक पे, इस्तवा अल अर्श पर। ठीक है, इस्तवा अल अर्श पर आप लोगों का अकीदा है, इस्तवा अल अर्श, अर्श एक अलग मखलूक है समझे, और आसमान अलग मखलूक है जिसके बारे में कसीर हदीस बुखारी शरीफ और दीगर हदीस में भी मौजूद है कि 500 साल का सफर बताया तेज रफ्तार में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाया जैसा कि, और आप भी कह रहे हो कि अर्श अलग मखलूक है और आसमान अलग मखलूक है। हालांकि मौलवी अब्दुल जब्बार सलफी अहले हदीस लिखते हैं अपनी किताबों में इस्तवा अल अर्श सफा नंबर 35 में, खुदाए ताला के अर्श पर होने का मुनकिर काफिर है। तो आप कह रहे हो कि आसमान पे है, आपने तस्लीम किया है कि आसमान अलग मखलूक है और अर्श अलग मखलूक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ अर्श पे मानते हैं या आसमान पे मानते हैं? अगर उस हदीस को जैसा कि एक लौंडी कही थी, बांदी कही थी कि वो गैरे खुदा का इनकार उसमें पाया गया, नफी पाई गई, सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की तरफ जात उसमें गैरे खुदा की नफी मकसूद थी, ना कि अल्लाह तबारक व ताला की नफी कर रही थी, और उसको साहबी ईमान करार दिया, लेकिन आप कह रहे हो कि अर्श भी तस्लीम किए हो कि अर्श भी अलग मखलूक है, आसमान अलग मखलूक है, और इसमें फतवा आपके अब्दुल जब्बार सलफी साहब दिए हैं इस्तवा अल अर्श सफा नंबर 35 में, खुदाए ताला के अर्श पर होने का मुनकिर काफिर है, तो माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन ये फतवा किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस सहाबी और वो सहाबिया जो आसमान के तरफ अर्ज किए, क्या वो आपके इस कहने के मुताबिक इस फतवे के जद में आते हैं या नहीं आते हैं? आप इस जी अब आपकी बात हो गई करने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। तो सामईन जसीम साहब का ये कहना है कि ये अर्श के मुनकिर हैं क्योंकि ये अल्लाह तबारक व ताला को अर्श पर मुस्तवी नहीं मानते, इन्होंने वाजे कर दिया। और हमारा आज भी कहना है कि जो अल्लाह के अर्श के मुनकिर होते हैं कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, आज भी हम कहते हैं अब्दुल जब्बार सलफी साहब ने भी वही कहा है कि वो इंसान काफिर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वाजे कहा है कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह तबारक व ताला जो रहमान है अर्श पर मुस्तवी हुआ। अब उसकी इस्तवा की कैफियत मजहूल है, कैफियत नहीं जाएंगे, बात होगी इस्तवा के ऊपर। तो अल्लाह ताला ने जब कुरान में कह दिया रहमान अलल अर्श इस्तवा कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, ये हो गई नसे कतई और कतई उस सबूत। फिर उसी ताल्लुक से इन्होंने मुस्लिम की हदीस बताई है कि एक लोंडी से अल्लाह के रसूल ने पूछा कि मन अना, मैं कौन हूँ? उन्होंने कहा अंता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर नबी ने पूछा ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? तो उसने कहा कि फिस समा, और एक हदीस में इलस समा। मैंने इस चीज को वाजे किया है कि इलस समा और फिस समा बामाना फौक के भी होता है यानी आसमानों के ऊपर, और ये पूरी उम्मत का इस बात पर इजमा है, नस भी मौजूद है कि अर्श जो है वो तमाम मखलूकात से ऊपर है और उस अर्श के साए के नीचे तमाम मखलूकात है, चाहे वो आसमान हो, जमीन हो, चरिंद हो, परिंद हो, हवाएं कहकशाएं फिजाएं सिदरतुल मुंतहा, तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो अल्लाह तबारक व ताला के अर्श के नीचे हैं। तो उस लोंडी ने जो कहा है कि इला समा यानी आसमानों के ऊपर है अल्लाह ताला, इससे बात वाजे हो जाती है कि वो आसमान से ऊपर क्या है। अगर आसमान से ऊपर आप अर्श को तस्लीम नहीं करते तो आप बताइए। दूसरी बात, जब कुरान के अंदर ये वजाहत आ गई अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा और रसूलुल्लाह का तस्दीक करना कि हाँ अल्लाह ताला आसमान के ऊपर है, तो ये कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहते हैं खुद से नहीं कहते,
अगर वहां पर अल्लाह तबारक व तआला का अर्श की नफी हो रही है तो रसूलुल्लाह की बात में तजाद और अल्लाह की बात में तजाद हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह तो कह रहा है अर्श पर मुस्तवी हूँ और रसूलुल्लाह कह रहे हैं इनके बकौल आसमानों पर है। हमने माना बता दिया भाई, हम तथबीक के कायल हैं, आसमान के ऊपर ही अर्श है, आसमान के ऊपर अर्श है। आप बताइए कि आपका क्या ये इस चीज पर इत्तेफाक है कि आप अल्लाह के अर्श के होने के कायल हैं या अल्लाह के अर्श पर मुस्तवी होने के मुनकिर हैं, ताकि बात आगे हो। क्योंकि मैं अपना दावा बता दिया हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला अर्श पर मुस्तवी है, अपना दावा बताएं आप। जनाब इमान, आपने समझा नहीं, आप तस्लीम करते हो कि आसमान अलग मखलूक है और अर्श अलग मखलूक। आसमान में जो हदीस बता रही है, आसमान से अलग करेंगे तो वो इस्तवा अलल अर्श की तरफ, जो वो हम उन आयतों को मुताशाबिहात में से मानते हैं और मुताशाबिहात से जिन आयतों से ईमान और अकीदा तस्लीम नहीं किए जाते हैं। हालांकि आपका अकीदा अर्श के ऊपर है और अर्श से जो मुनकिर है वो काफिर होने का फतवा आपने तस्लीम भी किया है। अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह अहले हदीस के मुजद्दिद इबन तैमिया के अकीदा को बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला अर्श के बराबर है, ना उससे छोटा है ना उससे बड़ा है। फतावा हदीसिया सफन मसौ मतबुआ मिस्र। तो मालूम हुआ कि आप लोगों का अकीदा ये है कि अर्श के बराबर ही हैं, ना आसमान में है ना वो ज़मीन में है। हालांकि वो कसीर आयत है जो हमसे ज़्यादा करीब है, हमारी जानों से भी ज़्यादा करीब है। अल्लाह के रसूल ने तालीम दिया है, अल्लाह तबारक व ताला ने अपने ईमान वालों को बताया भी है, लेकिन आप लोगों का अकीदा अर्श के मुनकिर होने का, ये जो इनकार करे वो काफिर होने का आप लोग डिक्लेयर किए हैं और आपने भी तस्लीम किया है, और इब्ने तैमिया के अकीदे को आप लोग अपनाए हो कि अर्श के बराबर है। क्या माज़ अल्लाह कि अल्लाह तबारक व ताला को अर्श के बराबर समझते हैं? अगर अल्लाह तबारक व ताला अर्श जब पैदा नहीं किया था तो वो कहाँ था, ये आप बताएं मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। मैंने इनसे इनका दावा पूछा था कि आप अपना अर्शवा दावा बताइए, तो इन्होंने बताया कि हम उस आयत को मुतशाबिहात में तस्लीम करते हैं, यानी ये मान गए हैं कि अल्लाह के वजूद के कायल नहीं हैं। क्योंकि अगर अल्लाह का ये वजूद मानते हैं तो ये मुतशाबिहात नहीं मानते। भाई कैफियत मुतशाबिहात है, अल्लाह का इस्तवा होना मुतशाबिहात नहीं है। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि यदुल्लाह अल्लाह का हाथ, तो वो मुतशाबिहात है। अल्लाह का हाथ यानी आयत का होना मुतशाबिहात नहीं है। उसी तरीके से अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, उसका मुस्तवी की कैफियत मुतशाबिहात है, उसका मुस्तवी होना मुतशाबिहात नहीं बल्कि मारूफ है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इब्न हजर मक्की, भाई इब्न हजर मक्की को हाफिज जुबैर लीजिए साहब ने हमारे बेदती तस्लीम किया है। दूसरी बात, हाफिज इब्न हजर असकलानी ही कहते हैं कि इब्न तहमिया की तरफ मंसूब करके जो ये बात इस्तवा के ताल्लुक से कही गई है कि वो अर्श के बराबर है, वो इब्न हजर मक्की ने दुरुस्त नहीं कहा। तकरीब तहजीब की जिल्द 4 सफा नंबर 500 पर इब्न हजर अस्कलानी वाज़ह तौर पर कहते हैं कि इब्न हजर मक्की का ये कौल बातिल है, इब्न तहमिया की तरफ मंसूब किया गया है। और एक और शख्स था जिसने इब्न तहमिया की तरफ इस बात को मंसूब किया, इब्न हजर का रद्द करते हुए कहते हैं कि उसने ये कहा था कि इब्न तहमिया फरमाता कि अल्लाह ताला अर्श पर बैठा है, जिस तरह से देखो मैं बैठा हूं कुर्सी पे, तो वो इब्न हजर उसका भी रद्द करते हुए कहते हैं कि हाजा तावीलुन बातिलुन, ये तावील बातिल है और वो शख्स कज़्ज़ाब है। इब्न तहमिया की दुश्मनी में उसने इब्न तहमिया की तरफ जिस चीज को मंसूब किया था। तो ये इब्न हजर मक्की का कौल दिखा रहे हैं जिसका रद्द इब्न हजर अस्कलानी रहिमुल्लाह जो कि मुहद्दिस है उन्होंने कर दिया है। दूसरी बात, मैंने इनसे ये बात कही है कि आप अपना मुकम्मल दावा पेश करें कि आप अल्लाह की जिहत के कायल हैं, आप अल्लाह को कहाँ मानते हैं। बात इस पर नहीं हो रही कैफियत पर, बात इस पर हो रही है कि आप अल्लाह को कहाँ मानते हैं, अल्लाह तबारक व ताला कहाँ है, उसकी वजाहत आपको करनी है। बाकी इब्न तहमिया मजहब अकीदा वास्तिया के अंदर मेरे से देखें जो बात करें ना वो दलाइल से करें, मैं लल्लू पंजू बात नहीं करता। मैं बहुत पढ़ चुका हूँ इब्न तहमिया का शागिर्द हूँ। इब्न तहमिया अकीदा वास्तिया के अंदर अभी कहें तो मैं दिखा दूं, अकीदा वास्तिया में कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है, जैसा कि उसके शान के लायक है। जी हमारा अकीदा सुन लें अहले सुन्नत वल जमात का, उसके बाद आपका अकीदा तो मुझे मालूम है जैसा कि आपकी बातों से मालूम हो गया। आए सुने, हमारा अकीदा वो है जो कुतुब अकायद में इजमाई अकीदा हमारे यहाँ बयान किया गया है कि
क्या है वो सुनिए। ला युहिरुहु अलैहि ज़मान वला यश्तमिलु अलैहि मकान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़मानों से पाक है और मकानों से भी पाक मानते हैं। अर्श मकान है, जगह है, उससे वो पाक है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा तक़वीलुल ईमान किताब लिखी सफ़ा नंबर 20 पर फरमाते हैं, ला महदूदुन, अल्लाह महदूद नहीं है। वला फी जमीअतुन, वो सिमतों से भी पाक है। मगरिब, शुमाल, जुनूब, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर नीचे सिमते हैं, इससे भी पाक है। वला मकानुन, वला फी जमानी, मगरिब मशरिक जो होते हैं वो पाक है अल्लाह ताला से, वो भी पाक है कि वो ज़माने से भी पाक है। इमाम हमारे इमाम शेख रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी अहले सुन्नत के इमाम मकतूबात रब्बानी जिल्द नंबर 3 में सफ़ा नंबर 63 पे फरमाते हैं, अज़मान व मकान व जहत दर हज़रत उ ताला गुंजाइश नीस्त। कहते हैं कि जमाने और जमाने से वार मकान से और सिमते होना अल्लाह ताला की शान के लायक नहीं है। ये सब उसी की बारगाह में जायज़ नहीं है, उसके बारगाह में जायज़ नहीं। ये हमा मखलूक, ये तमाम के तमाम मखलूक हैं। ज़माना मखलूक के लिए है, मकान व जगह मखलूक के लिए है, हालात मखलूक पे गुजरते हैं, अल्लाह ताला इन सब से पाक है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तोहफ़त इसने शरिया सफ़ा नंबर 141 में अकीदा फरमाते हैं, तो इसके तहत के आ के हक ताला रा मकान नीस्त। हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला के लिए कोई मकान नहीं है। वह उरा जहत फौक व तहत मुतसव्वर नीस्त, ऊपर नीचे होना उसकी शान में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, तसव्वुर से परे है। ये चीजें हमारे अकीदे में शामिल है, समझे। ऐसी बातें जिसमें अल्लाह तबारक व ताला इस्तवा अला अर्श है, ये मुतशाबिहात हम मानते हैं, जिसके माने अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। जब अल्लाह के सिवा उसके माना किसी को मालूम नहीं है तो मौलवी को क्या हक है कि उसके माना बताए। आला हजरत फाजिल बरेलवी यहाँ पर एहतियात बरती कि जैसे है वैसे ही लिखा, इस्तवा अला अर्श ही लिखा है। इमाम शाफी कहते हैं इस्तवा ये मुतशाबिहात में से है, हमारी अक्ल आजिज है, वो माना नहीं है। इसके माना इसलिए बयान नहीं किया करता कि मुझे अपने नफ्स पर एतमाद नहीं। इमाम कुशेरी रहमतुल्लाह अलैह जो मुतवफ़ी हैं, वफात पाए 456 में हिजरी में, रिसाला कोशेरी में फरमाते हैं ये आयत मुतशाबिहात हैं, इसके माने हम नहीं जानते। अब अगर इसके बावजूद ये कहते हैं कि आप ये आयत मुतशाबिहात नहीं मानते हैं, हम अल्लाह के बैठने हू बहू मानते हैं और इस आयत को मुहकम मानते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि पारा नंबर 24 सूरे मोमिन आयत नंबर 7 में अल्लाह फरमाता है, अल्लादीन यहमिलून अर्श ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا। देखिए पारा नंबर 24 में सूरे मोमिन है, आयत नंबर 7 और 40 में भी देख लीजिए, अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जो उसके अर्श को थामे हुए हैं, उसके अर्श को उठाए हुए हैं, और अर्श के ऊपर गिर्द भी एक कुछ फरिश्ते हैं जो तस्बीह बयान कर रहे हैं, अपने रब को रब की हमद बयान कर रहे हैं, इस्तगफार दुआए मगफिरत करते हैं मोमिनों के लिए। तो हदीस बताती है कि उस वक्त अर्श को 4 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ जनाब, अगर यहाँ आयत मुतशाबिह नहीं मानते हैं तो कुरान कुरान करीम बता रही है कि अर्श को 4 फरिश्ते उठाए हुए हैं, तो बताइए जनाब क्या अर्श और अल्लाह के फरिश्ते जो अभी 4 फरिश्ते उठा कर रखे हैं, तो ताकत व कुव्वत कौन ठहरा? क्या फरिश्ते नहीं ठहरे ज्यादा ताकत वाला? चार मिनट से ज्यादा। जी जी फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल अंबियाए वल मुरसलीन अम्मा बाद। इन्होंने एक बात यहाँ पर वजाहत की है, वो ये कि इनका अकीदा है कि अल्लाह तबारक व ताला मकान और जमान से पाक है, मकान और जमान से पाक है। काबिल इसके कि मैं इनसे इनके दलाइल के ऊपर इनकी तर्दीद करूँ, सबसे पहले मैं इनके दावे पे तनकी कर दूं कि आपने जो बात वजाहत की है कि अल्लाह मकान और जमान से पाक है, अभी इन्होंने खुद मुस्लिम की हदीस पेश की थी कि अल्लाह तबारक व ताला बकौल लोंडी
आसमान के ऊपर है। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ, छोड़ो अर्श को अभी छोड़ देते हैं एक मिनट के लिए, वो तो अभी बात करूंगा। आपने जो लोंडी वाली हदीस पेश की थी, क्या वो सच समझ के पेश की थी? क्योंकि वहां रसूलुल्लाह की तस्दीक मौजूद है, रसूलुल्लाह ने उससे कहा है और उसकी नफी नहीं की कि अल्लाह ताला आसमानों पर है। अब मुझे इतना बता दें, आपने कहा मकान और जमान से पाक है, क्या आप आसमान को मकान तस्लीम करते हैं या नहीं? इतना लुकमा दे दें। आसमान जाहिर सी बात है मकान है, लेकिन वहां पर मैं माशाल्लाह, ये बताया आपको जनाब, मैं ये बताया गैरे खुदा की नफी मंजूर थी, ना कि नहीं, अल्लाह वो तबारक बात को। नहीं कर रहा भाई, भाई वो बात नहीं कर रहा मैं। वहां गैरे खुदा की नफी के बाद भी सवाल हुआ ऐन अल्लाह कहकर, कि अल्लाह ताला कहाँ है, अल्लाह ताला कहाँ है। इस जवाब के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जाने दीजिए, ये मोमिना है, ये मोमिना है। आपने मान लिया अल्हम्दुलिल्लाह कि वो आसमान मकान है, तो आपने अपने दावे में अभी इनकार किया था कि हम अल्लाह को मकान से पाक मानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तकरीरी से इससे पता चल रहा है कि अल्लाह ताला आसमान पर है, तो ये तो मकान साबित हो गया। अभी तो आप मकान का इनकार कर रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी हदीस से मकान साबित हो गया। इतना मुझे बता दें, आप मकान के इनकारी थे तो यह मकान साबित हुआ जी या नहीं? जी जी मकान से हम लोग पाक मानते हैं, और वो हदीस जो मैंने पेश किए थे आपके अकायद जो है अल अर्श के, अगर अर्श भी आपने तस्लीम किया था, अर्श अलग मकान है, आसमान अलग मकान है, दोनों को अल्फाज में आपने बयान किया, और उसके फासला बहुत है। इब्ने तैमिया जिसे कि आप यहाँ कर इब्ने हजर मकी रहमतुल्लाह अलैह की आपने कहा कि वो बिदअती तस्लीम कर लिए, हालांकि उनके जात के मुतालिक मैं अभी बात करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। बहरहाल मैं ये बता रहा हूँ कि अर्श आपने तस्लीम के लिए कर लिया कि अलग मकान है। अब हम आप लोग यानी गैर मुकलिद लोग, गैर मुकलिद हजरात अर्श के बैठने के कायल है, तो कुरान मजीद जैसे कि सूरह मोमिन मैंने पेश किया, सूरह मोमिन में अल्लदीन यहमलून अर्श व महूलहू युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम के वो फरिश्ते उठाए हुए हैं, तो आप बताएं कि अर्श के वजन को उठाए हुए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की माजल्ला। हमारा अकीदा ऐसा नहीं, हमारा अकीदा है कि अल्लाह ना फरिश्तों का और ना ही अर्श का मोहताज है, वो तो किसी का भी मोहताज नहीं बल्कि सारी मखलूक उसकी मोहताज हैं, जबकि अर्श कुर्सी फरिश्ते जितने भी मखलूकात हैं जितने भी कुछ भी हैं नहीं था तब भी वो था, जैसे पहले अर्श से पाक था अब भी वो अर्श से पाक है। तो अब चार फरिश्ते उठाकर रखा है, अब कुरान कयामत के का मंजर भी बयान करता है। 29वें पारे में मैं सूर्य हक्का खोलता हूँ, वल मलकु अभी आउज एक बिल्लाहि दलील पे मिन बात हो शैतान जाए रजीम ना, जिसमें बिस्मिल्लाहिर क्या रहमान, यही चीज बता रहा हूँ। वल मलकु आला अर्जा यह व यहमिलु अर्शा रब्बिका फौकहुम यौमैज़िन समानिया, आयत नंबर 17 सूरतुल हक्का पारा नंबर 29 में, सूरा नंबर 69 है। तेरे रब का अर्श उठाएंगे कयामत के दिन 8 फरिश्ते, आज 4 फरिश्ते उठाए हुए हैं, कल कयामत के दिन अर्श के जब होगी नाजिर वो उस वक्त अर्श के वजन को 8 फरिश्ते उठाए होंगे। क्यों? क्योंकि अर्श जो है 8 फरिश्ते उठाए होंगे क्योंकि आका फरमाते हैं गजबे इलाही से अर्श कांप रहा होगा, कायनात का निजाम दरहम बरहम हो रहा होगा, पहाड़ रुई के गलों के मानिंद यानी रुई के मानिंद उड़ रहे होंगे, आसमान और जमीन तबाह हो रहा होगा, तब सारे सितारे टूट रहे होंगे, सब अर्श फर्श सब यानी खत्म हो रहा होगा, तो उस वक्त वो अर्शे आजम को अर्शे इलाही को जो अर्श है उसको सहारा देने के लिए 8 फरिश्ते जैसा कुरान में। अगर आपके अकीदे के मुताबिक अर्श पर है तो बताएं क्या इस वक्त अल्लाह का वजन, उस वक्त अल्लाह का वजन बढ़ जाएगा जबकि 8 फरिश्ते उसको जरूरत पड़ेगी उस दिन? आप क्या अकीदा जनाब आयते मुतशाबिहात से बनाएंगे तो बुरी तरह से फंसेंगे आसमान, बल्कि ये अकीदा रखें अल्लाह ताला इल्मियत के एतबार से हमारे करीब है, जैसा कि कुरान मजीद का है, किसी आयत का भी इनकार नहीं करेंगे। अर्शिस्तवा जो जितनी भी आयतें हैं, 8 आयत जो 7 आयत या 8 तकरीबन है, वो तमाम के तमाम आयते जी, मुतशाबिहात आपका है। वक्त हो गया, आपके आयत आपने मुतशाबिहत, आयत जी मुतशाबिहत से अकीदा बनाया, दिल की कजी जी की जनाब, अलामत है। अब सुन लीजिए सुन लीजिए, जी जी आपने 8 मिनट बोला और मैं बखूबी आपकी बहुत देर से सुना, ठीक
ठीक है, आपसे गुजारिश है कि आप मेरी बात को मुकम्मल सुने। तो देखें, अब मैं इनके दावे में और इनकी दलाइल में तजाद दिखाता हूँ। मैंने इनसे एक मुतालबा किया था कि अभी अर्श को छोड़ दीजिए। आपने कहा था कि उस लोंडी को अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अल्लाह तबारक व ताला कहाँ पर है, तो उस लोंडी ने कहा मकान, उसमें आसमान पर। इन्होंने आसमान को मकान माना लेकिन अर्श से अलग माना। मका तस्लीम किया इन्होंने लेकिन अर्श से तस्लीम किया, क्योंकि अर्श एक मखलूक है और आसमान भी एक मखलूक है। मैंने इनसे मुतालबा किया कि जब आपने अल्लाह को बकौल उस लोंडी के अर्श पर आसमान पर मान लिया, ये तो मकान तस्लीम हो गया। अभी आप मकान के जो है इनकारी थे, तो इसकी इन्होंने वजाहत कोई भी पेश नहीं की, ना ही कोई तदबीक पेश की है। अपने दावे में तारुस पैदा कर लिया कि हम अल्लाह ताला के मकान के और जमा के कायल नहीं है, उससे पाक मानते हैं। तो मैं अभी तो इनसे मका पे बात कर रहा हूँ, जमा पे भी बात करूंगा। अभी पहले मका की इन्होंने नफी की थी और बाद में हदीस के खिलाफ इन्होंने फतवा दे दिया कि हाँ अल्लाह के यानी मका के खिलाफ फतवा देते हैं वाजे तौर पर, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लोंडी ने खुद तस्लीम किया कि अल्लाह ताला का मका आसमान के ऊपर है। तो इन्होंने मका का इनकार किया, गोया कि रसूलुल्लाह की तस्दीक पे इनकी तस्दीक नहीं हो रही है। इनके दिल में जो है मसोसे उठ रहे हैं कि अल्लाह के रसूल तो ये कह दे कि अल्लाह के रसूल के सामने वो लोंडी के अल्लाह आसमान पर है और ये कह रहे हैं कि कोई मकान नहीं है, यानी मान भी रहे हैं कि आसमान मकान है और इनकार भी कर रहे हैं। अफतु मिनू नबी बादल किताबी व तकफुरू नबी बाज वाला ये अमल कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि फरिश्ते जो है कयामत के दिन अल्लाह के अर्श को उठाए होंगे 8, और एक हदीस में आता है कि 4 फरिश्ते होते हैं, और एक हदीस में ये भी आता है कि हजरत मूसा भी अर्श का पाया उठाए हुए होंगे जब दूसरी सूर फूकी जाएगी। देखें, हमने आपको अपना अकीदा वाजे बताया, दोबारा सुन लीजिए, आपने सुना नहीं। हम अल्लाह तबारक व ताला के अर्श पर मुस्तवी होने के कायल है, ये मारूफ है, लेकिन अल्लाह की अर्श की मुस्तवा होने की कैफियत को हम मजहूल समझते हैं, मारूफ नहीं समझते। कैफियत मुतशाबिहात है, अल्लाह का इस्तवा होना मुतशाबिहात नहीं है। जिस तरीके से इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने वाजे तौर पर कहा है कि इसकी जो अल्लाह तबारक व ताला का इस्तवा होना मालूम है, बल्कैफियत मजहूल व सवाल बिदतुन, इस पर सवाल करना बिदत है, तो ये बिदती भी साबित हो गई इमाम मालिक के बकौल, क्योंकि ये बार बार कैफियत पर सवाल उठा रहे हैं। मेरा कैफियत पर सवाल नहीं है बल्कि इस्तवा मालूम है, यानी अल्लाह का बैठना मालूम है कि अल्लाह ताला उस पर इस्तवा है, लेकिन उसकी कैफियत क्या है इस्तवा की, इमाम मालिक रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि वो मजहूल है। वह सवाल बिदतुन, और उस पर सवाल करना बिदत है। तो ये बिदत ही कर रहे हैं बार बार मुझसे कह के आप मुतशाबिहात आयत पेश कर रहे हैं। भाई आयत मुतशाबिहात नहीं पेश कर रहा हूँ, आयत बिल्कुल वाजे है, उसकी कैफियत जो है उसको मुतशाबिहात में पहले ही तस्लीम कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला अर्श का अर्श के ऊपर मुस्तवी है। कैसा मुस्तवी है वो हमारा अकीदा नहीं है, ना ही हम उसकी कैफियत को बयान करते हैं। अच्छा, हमारे किसी अकाबिर से सुनिए, मुकम्मल कर लूँ ना अभी, आप 8 मिनट बोले जी। पहली बात तो कैफियत को किसी हम अकाबिर समझते हैं, सुन लीजिए ना। आपके किसी अकाबिर ने क्या बोले, मैं बताऊं ना भाई, मुझे बोलने दीजिए। जी जी बोले, आपने दलाइल दिए, मैंने अभी एक भी दलील नहीं दी। अभी तो इंशाल्लाह दलाइल पर आऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। देखिए, इन्होंने खुद तस्लीम किया, 7 मकाम पर अर्श का जिक्र है कुरान करीम के अंदर। सुम्मस्तवा अलल अर्श का जिक्र है, अर्रहमानु अलल अर्शिस्तवा का जिक्र है, यानी अल्लाह तबारक व ताला इस जमीन और आसमान को बनाकर अर्श पर मुस्तवी हुआ। और अर्श आप ये मानते हैं कि एक मखलूक है, यानी एक मकान है, तो जब अल्लाह तबारक व ताला का अर्श एक मकान है तो ये मकान की नफी क्यों कर रहे हैं। अल्लाह ताला तो अर्श पर मुस्तवी है कह रहे हैं, उससे पहले अल्लाह कहा था, उससे पहले भी अल्लाह का अर्श जो था वो पानी पर था 50,000 साल पहले, ठीक है। अब ये जो सवाल आपने किया है, या तो इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। अच्छा भाई, मकान की बात तो खत्म हो गई जनाब साहब, मुकम्मल। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा, फिर आप ही बोलिएगा। एक मिनट लूंगा, उन्होंने कहा था, जुल्फिकार भाई ने कहा था कि मेरे बीच में ना बोलेंगे। जी जी, कुरान शरीफ है सामने आपके, नहीं वो ठीक है, वो हो जाएगी। मैं सूरह बकरा आयत नंबर 184 खोल के पढ़े तो उसको आप ही पढ़िए जनाब अहमद। मेरा मेरा वो बात मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आप वजाहत कीजिएगा। पहली बात तो आपने मकान की नफी की, मका की नफी करके इन्होंने मका को तस्लीम किया, क्योंकि अर्श भी एक मकान है और आसमान भी एक मकान है, और इन्होंने कहा मकान के कायल नहीं। अल्लाह तो फरमा रहा है कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, के मैं अर्श वाले मकान पर साबित मुस्तवी हूँ, ये कह रहे मकान नहीं है। अल्लाह के रसूल के सामने एक लोंडी कह रही है कि अल्लाह ताला अर्श आसमानों के ऊपर है, ये कह रहे मकान है, लेकिन मान भी नहीं रहे हैं। अच्छा, अरे भाई, आपके दावे में और उसकी दलील में तदबीक कैसे देंगे आप। जी, रही आप फरिश्तों की उठाने की बात, फरिश्तों का उठाना मुतशाबिहात है,
लेकिन वो हदीस मालूम है। फरिश्तों को उठाना मुतशाबिहात है। बहरहाल आपने जो आयत मुतशाबिहात होनी चाहिए उसको आपने ईमान यानी मुहकम मान लिया, आज जो मुहकम आयत है उसको मुतशाबिहात मान लिए, हालांकि मैं आपसे दलील का मुतालबा नहीं करूंगा, इसमें मजीद जलील हो जाएंगे। बहरहाल मैं वो हदीस जो इशारतन मैंने पेश की थी कि बांदी से या लौंडी से पूछा तो आसमान पर है का क्या, हालांकि आसमान के ऊपर का जिक्र नहीं है, आप नहीं बता सकते हैं अल्फाजों में। और रही बात आपकी, देखें यहाँ इसी पर मैंने आपको में बता दिया, सुन लीजिए जसीम साहब, आपको हाँ, अरबी से वाकफियत नहीं, मैंने कहा लफ्ज इला समा का लफ्ज जो है वो फौक के माने, फौक का माना आप जानते मैं हैं अच्छी यानी तरह से ऊपर के जानता लिए हूँ। इस्तेमाल होता है। अगर कहें तो दलाइल तो इस पर लुगत से कि इला का जो लफ्ज है वो फौक के माने में इस्तेमाल किया है अल्लाह ताला ने, अलग समाए हैं इला समा, एकदम आप खामोश एक हैं में फीस समा है। अहमद रजा साहब आप खामोश हैं, खामोश हो जाए। आपके किसी अकाबिर ने ऐसा अकीदा नहीं दिखा सकते हैं। हम हमारे पास किताबु सुन्ना मिनाजु सुन्ना, आप जानते हैं शायद पढ़े होंगे, इब्ने तैमिया साहब का जो अकीदा की किताब लिखी हुई है, इसमें क्या लिखा है देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ उर्दू भी तर्जमा है। अल्लाह ताला जिस्म रखता है, जिस्म ही नहीं इस किताब में मिनहाजु सुन्ना में लिखी हुई है, ये तमाम बातें मिलती हैं, यानी जिल्द नंबर 2 है सफा नंबर इसका 26, देखिए इसमें लिखे हैं ले अन्नल हय्युल कय्यूम यफ़अलु मा यशाउ, कहता है कि रब तबारक व ताला जिंदा है, ये तो हमारा भी लोगों की जिंदगी अता करता है, वो जो चाहता है करता है। इस अकीदे में हम भी इब्ने तैमिया के साथ हैं, हम भी मानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हय है, जिंदा है। आयतल कुर्सी में भी इसका जिक्र आता है, हुवल हय्युल कय्यूम, और वो जिंदा है, दूसरों को जिंदगी अता करता है। हम यहाँ तक तो इत्तफाक रखते हैं। इसके बाद इब्ने तैमिया ऐसे अकीदे गढ़ा है जिसे उलमाए कराम आइमे कराम तो दूर दूर हम जैसे लोग भी इत्तफाक करने को तैयार नहीं होते हैं। जो सुनिए लिखा है वह या तहर्रिकु इज़ा शाअ, जब चाहता है वो हरकत करता है, यानी अर्श पर बैठ करके वो हरकत करता है, वो जब चाहता है हिलता डोलता है। आगे कहता है वह युक्बिज़ु, वह अपने आप को समेट लेता है, सुकड़ लेता है, सुकड़ कहते हैं सिमटने को, वही तो वह जब चाहता है अपने आप को फैला लेता है यानी फूल जाता है। वह यकूम, वह जब चाहता है उठ जाता है और उठकर खड़ा भी हो जाता है। वह युजलिसु इदाशा, जब चाहता है बैठ जाता है। ये इब्ने तैमिया अल्लाह रब्बुल इज्जत की हरकतें बयान करता हुआ कहते हैं कि हिलता डोलता है, खड़ा भी होता है, बैठ भी जाता है, फूलता भी है, सुकुड़ भी जाता है। आप खुद बताइए कि अल्लाह की सिफात बयान हो रही है या किसी फैक्ट्रिया की बात हो रही है या किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, पता नहीं। हमारा अकीदा बिल इत्तेफाक ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात में कोई तगयुर तब्दीलात इसमें नहीं आ सकती। वो रब्बुल इज्जत तगयुर तब्दीलात से मुनज्जा व पाक है, तगयुर मखलूक में होते हैं। हम आप जब पैदा हुए बच्चे थे, बच्चे से बड़े हुए, जैसा कि उम्र बढ़ती रहती है, हमारे हालात भी, हमारे आज़ा वगैरह जिसमें तगयुर आते रहते हैं, मखलूकात में, जमाने में, हालात में गुजरते रहते हैं और बदली होती रहती है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जमानों से, वक्तों से, हालात से पाक व मुनज्जा है, क्योंकि वो जमाने के खालिक है, जमाने का मोहताज नहीं है, जमाने पर वो गालिब है, ना कि जमाना गालिब है, जमाने पर अल्लाह गालिब है। तो अल्लाह की जात पर तगय्युर नहीं आ सकती। इब्ने तैमिया ही जैसे लोग आप लोगों का अकीदा गढ़ करके जो दिए हैं तगय्युर तब्दुल होने तब्दील होने का, ये किताब भी नहीं है, बल्कि हदीयतुल महदी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 9 में भी अल्लामा वहीदुल जमा जो आपके पेशवा मानते हैं वो भी यही अकीदा बयान किए हैं। देख लीजिए किताब आपकी नहजु सुन्ना जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 26 में। और मैंने बार बार ये कहा था, वो हदीस में मैं मुगालता नहीं दे रहा हूँ, बल्कि वो बांदी काफिर हैं या कुछ मालूम नहीं था, वो जाहिल थी, उसको कुछ भी मालूम नहीं था, बल्कि वो इनकार करती थी जमीन के बातिल माबूदों का, इनकार मकसूद था, ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो जात ही आसमान पर है कह करके। वैसा आप अब मोहश हम हदीस समझते हैं मुहद्दिसीन से, है ना, अपने आप से नहीं समझते हैं,
कुरान समझते हैं मुफस्सिरीन से, जिसे आप लोग खुद मुस्तहिद होते हो, हम लोग कहते इज्तिहाद जो मुस्तहिद होते हैं उसकी बात मानते हैं, लेकिन आप लोग अपने आप मुस्तहिद बनके अपने ईमान और आखिरत बेड़ा गर्क कर ले रहे हो, जो आयत मुतशाबिहात में से था उसको भी आप मुहकम बना करके अकीदा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, अब सूरह बकरा आयत नंबर 184 आप ही पढ़ दें खोल करके, सूरह बकरा आयत नंबर 184 पढ़े जनाब, मुकम्मल हो गई आपकी, आप ये पढ़ दें मुझे, पढ़ के सुना दें 184 आयत नंबर सूरह बकरा, और सूरह बकरा में 115। हाँ मेरा वक्त है, बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। तो सामईन आपने सुना पहली बात, तो उन्होंने मुझ पर झूठ बोला कि और जलील हो जाएंगे, इन्हें खुद अरबी नहीं आती। मैंने कहा लफ्ज इला और फी का माना फौक के माने भी इस्तेमाल हुआ है, इसके दलाइल में लुगत से दे सकता हूँ, कुरान से भी इसकी मिसाल में बयान कर सकता हूँ, वक्त वो नहीं है। मैंने इनसे बात वाजे कह दी है कि आपकी बकौल आप या तो ये कह दे कि मुस्लिम की उस हदीस का मैं इनकार करता हूँ जिसमें लोडी ने तस्लीम किया था कि अल्लाह तबारक व ताला अर्श आसमानों के ऊपर है, अभी अर्श को छोड़ दीजिए, कोई ना कोई तो मकान तस्लीम किया ना उस लोडी ने, और रसूलुल्लाह ने इसका इनकार नहीं किया मकान, यानी आपने मकान का इनकार कर दिया और रसूलुल्लाह मकान का इकरार कर रहे हैं। तो आप देखें कि रसूलुल्लाह तो मकान का इकरार करें और ये जनाब मकान का इकरार ना करते हुए इनकार करें, तो ये तो भैया खुद काफिर हो जाएंगे रसूलुल्लाह की बात ना मानकर, क्योंकि इन्होंने माना है कि आसमान को मैं मकान मानता हूं, और उस लोंडी का कहना कि अल्लाह ताला आसमान पर है और आसमान के ऊपर है, रसूलुल्लाह का तस्लीम करना इस बात की दलालत करता है कि वो मकान पर है, इन्होंने मकान का इनकार किया गोया कि रसूलुल्लाह का इनकार किया। इसलिए अल्लाह फरमाता फला रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमू कफी मा शजर बैनहुम, तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि रसूलुल्लाह को हर फैसले में अपना हाकिम ना बना लो। इसीलिए वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु, जो रसूल दे उसको ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। ये बंदा रुक नहीं रहा, ये आगे जा रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहे कि रसूल से आगे ना जाओ, वला तुबतिलु आमालकुम, तुम्हारे अमाल को वो बातिल कर देगा, बर्बाद कर देगा, लेकिन ये बंदा जा रहा है। रसूलुल्लाह तो मान रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आसमानों पर है, ये बंदा कह रहा है कि नहीं मकान ही नहीं है, मकान है ही नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि अल्लाह के रसूल से इनकी कितनी दुश्मनी है, कि इसमें ये मजाजी। हेलो जनाब, आपकी बात कट रही है। हेलो, माजरत चाहूंगा, बटन दब गया था, आवाज आ रही है अब? हाँ, तो कैसे बटन दब दिया था आप? शायद इसमें दलील से बात करें यार, इधर उधर की बात ना करें, दलाइल से बात हो, आप कुछ दलील नहीं दे रहे हो बल्कि बात घसीट रहे हो आप। खामोश रहे, नहीं आप दलील से बात करें ना, बगैर बात इधर उधर घसीटने की जरूरत नहीं है, आप अपना अकीदा जाहिर करें। बौखला रहे जनाब, नहीं मैं बौखला नहीं रहा, आप अपने अकीदा को बिल्कुल आप छुपा रहे हो, अनाज से अलग है। मैं दलील दिया हूँ, आपने दलील का इनकार किया, सुन लीजिए मुकम्मल। सुनाइए, इनको पहली बात तो अरबी नहीं आती, लफ्ज इला और लफ्ज फी जो है वो फौक के माने में इस्तेमाल हुआ है, रसूलुल्लाह ने मकान तस्लीम किया है, ये बंदा मकान तस्लीम करके इनकार कर रहा है। अब इजमाए की तरफ आते हैं, देखें हमारे सामने इमाम इब्ने कय्यिम ने, इमाम एक मिनट, हेलो, अच्छा जी, एक मिनट, अच्छा रुक जाइए, अच्छा बहरहाल मैं बता रहा हूँ। अबू उमर रहीमुल्लाह, सुन लीजिए, अबू उमर रहीमुल्लाह अल मुतवफ्फा 429 हिजरी के हवाले से, वो एक बहुत बड़े इमाम हैं और अहले सुन्नत के इमाम है, वो तस्लीम करते हैं, कहते हैं कि अपने घर का, सुन लीजिए भाई यार, जुल्फुकार भाई ये खयानत कर रहे हैं, आप सुन लीजिए, अपने घर का लोगों को पेश ना करें, आपकी आपके अकीदे जो बनेंगे सहाबा का, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, आपके अकीदा बनेंगे हदीस और कुरान से पेश करें, बात को मुकम्मल सुना था, नहीं हदीस और कुरान से पेश करें, अकीदा जो बनता है ना हदीस और कुरान, कुरान को तो आपने इनकार कर ही दिया ना, कुरान का इनकार खुद कर रहे हो आप, आपने इनकार कर रहे हो यार, सवा ये एक दलील, मैं कुरान से सबसे पहले शुरू किया हूँ भाई, जुल्फिकार भाई इनको खामोश कराए, मैंने पहले ही कहा था ये डर जाएंगे, सुनिए बात पूरी होंगी। इमाम अबू उमर रहीम उल्ला अल-मुतवफ्फा 429 हिजरी फरमाते हैं, अजमा अल सुन्नत अला अन अल्लाह ताला अर्शिहि अलल हकीकति अलल मजाजी, कि अहले सुन्नत पर इस बात का इत्तेफाक है जमात का कि अल्लाह अर्श पर मजाजी तौर पर नहीं बल्कि हकीकी तौर पर मुस्तवी है, ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है मुतशाबिहात के तौर पर मुस्तवी है, अरे जनाब ये कह रहे हैं हकीकी तौर पर मुस्तवी है। अच्छा फिर इमाम कुर्तबी, अब सुन लीजिए भाई यार, इमाम क्या है ये हरकत है, इमाम के कौल आप तस्लीम करते हो? अरे भाई इजमा समझते हैं, इमाम के कौल आप मानते हो? अरे भाई इजमा है ये, इमाम के कौल आप मानते हो?
सुन लीजिए भाई, जुल्फिकार भाई ये खयानत है। नहीं, आप इमाम के कौल मानते हो, गैर आज मुकल्लिदीन देख पहले सकते हैं भी क्लियर जुल्फिकार कर भाई, दिया हूँ। आज एक बरेलवी इतना खाइफ है कि बोलने नहीं दे रहे हदीस को। ला हौल वला कुव्वत, आप ही बोल रहे हो कितनी देर से। मैं आपसे कुछ सुन पूछ रहा लीजिए। हूँ, इमाम अरे के भाई मैं कौल बता को रहा हूँ ना, मैं हुज्जत जब के तौर पर, बोलूंगा। दलील के तौर पर आप पेश कर रहे हो, क्या आप मुकलिद होने का डिक्लेयर कर दें अपने इमाम आप का कौल नहीं है, इस बात पर इजमा है, और इजमा अल्लाह के रसूल से हाँ साबित है। लाए अजमा उल्लाही हाँ उम्मत वो से इजमा अलग साबित कर दें रहा रसूल्ला अलग से, जमा। जी रसूल्ला से साबित करें वो इजमा, झूठ बोल रहे इजमा हो। किसको कहते हैं? इजमा साबित करें आप अभी कर रहे हो, इजमा रसूल्ला से इजमा साबित है। किसको कहते हैं? इजमा माज किसको कहते मारे हैं? घुटना फूटे सर, कहाँ की बात कहाँ खींच रहे अरे हो यार। जसीम भाई, तुम आपने ये कह बात रहे हो कही कि है कि रसूल्ला से रसूल अल्लाह इजमा सल्लल्लाहु साबित अलैहि है, वसल्लम अभी नहीं झूठ बोले हो। है। झूठ इजमा ना वहां बोले होता रसूल्ला है पर। कि जहां मन पर का देगा दलाइल अलिया मौजूद ना हो। मुतामदन फलयतबहू मिकदहू मिन नार। हदीस पढ़े होंगे शायद, वो गलत पढ़ उसके रहे हैं आप हदीस। मकादु नहीं है, मकादुहु मिन मकदहू नार। मिनन्नार ही है। तो वो आप रसुल्ला तलफुज सल्लल्लाहु अलैहि बनाना। वसल्लम पर आप अभी झूठी बातें निस्बत किए कि रसुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज्मा साबित है, एक हदीस पेश कर दें। झूठ क्यों अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हो रिकॉर्डिंग यार? मौजूद है, रिकॉर्डिंग मौजूद है। अगर मैंने ये कहा हो कि इस मसले पर अल्लाह के रसूल का इज्मा, मैंने क्या, इज्मा की दलील रसूलुल्लाह से मिलती है हमको। मैंने ये नहीं कहा कि इज्मा इस की दलील मसले पर मिलती है, इज्मा है, अभी इज्मा की पेश कर दलील रहे मिलती थे ये है इज्मा और को, अभी यानी रिकॉर्डिंग इमाम के मौजूद कौल है। को, इमाम के कौल देखें को भाई लेकर के आ रहे थे। जुल्फिकार भाई मौजूद है, अगर मैंने कहा हो, रिकॉर्डिंग मेरे पास भी हो रही है, कि मैंने ये कहा हो कि आप अल्लाह के सुन रसूल का इस लीजिएगा, मसले पर इजमा है। मैंने कहा है कि अल्लाह के रसूल से इजमा की दलील मिलती है। इस मसले पर जो बात कर रहे थे ना, उसमें नहीं, रसूलुल्लाह इस सल्लल्लाहु अलैहि मसले पर वसल्लम नहीं से कहा, इज्मा है कह करके साबित किए, झूठ बोल तो रहे हैं आप। नहीं आप रिकॉर्डिंग झूठ मौजूद बोल है, रहे हो, मैंने और कहा रिकॉर्डिंग सुन इजमा की लीजिएगा। दलील रसूलुल्लाह से आती है। भाई अल्लाह के रसूल इजमा थोड़ी बताएंगे, जब हदीस आ अच्छा जाएगी तो वो बहरहाल इजमा आप कहाँ खामोश हो होगा। जाएं, खामोश रहें। तो अभी सुनिए मेरी, आप ही को मैं पढ़ाऊंगा अभी, कुरान मजीद खोल लें आप नहीं सामने दलील में, दलील पहले कुरान मुकम्मल कर मजीद लूं, उसके खोल बाद लें। आप पढ़ाइएगा। मैं अभी हदीस सुनिए की तरफ भैया, नहीं देखिए जा रहा हूं, मैं अभी आपको इब्ने सुन ले, अब्दुल्लाह खामोश हो बत्तर जाएं। रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, अल-मुतवफ़्फ़ा 387 हिजरी, आप अजमा खामोश हो मुस्लिमून जाएं, मिन मैं अस्हाबे तकरीर आपकी तबाईन सुनने नहीं अल्लाह आया अला हूं। अर्शी फ़ौक़ अस्समावाति आप बिऐनी इमाम के मिनल कौल को, ख़ल्क़ी कि आप सहाबा इमाम और के कौल को ताबईन पेश नहीं कर और सकते। मुस्लिमीन का इस बात पर इजमा है कि अल्लाह सुन, ताला हकीकी तौर पर अर्श हक पर माज़ल्लाह मुस्तवी है। रब्बिल आलमीन, ये झूठ सहाबा बोल, और ताबईन का इजमा नकल किया जा रहा है, ये कह रहे कि इजमा नहीं है। किस इजमा कहाँ हदीस से से प्राप्त है, इजमा तो सहाबा उड़ गया। किस हदीस का पेश किए हैं, रेफरेंस पेश कीजिए, कौन सा हदीस है, देखें मैंने वाजे तौर पर कौन इजमा से कहा कि हदीस है, अजमा उन आपका मुस्लिमों ने अकीदा मेरा बनाया हो सहाबा ना। वो ताबईन जितने भी सहाबा इकराम इमाम रिजवानुल्लाह के अलैहिम कौल अजमईन को, थे। इमाम के कौल को पेश करके मुकल्लिद बनने के चक्कर में आए, तो क्यों मुकल्लिद नहीं बन जाते हो, जुल्फिकार भाई ऐसे मैंने धर्म को आपसे क्यों क्या लात कहा था, नहीं ये मार बंदा लेते? मुझे बोलने नहीं देगा आप आने वाले खामोश रह वक्त जाएं, इतनी में। देरी बात की है ना, आप खामोश ये रहें। साहब आप कह रहे हैं कि मैं किसी सहाबी से दिखाऊं कि उनका बात ये करो, इत्तेफाक हो, इनको खामोश उनका करो ना यार, इत्तेफाक हो, तो जसीम भाई आप मुझे बता दे कौन से ऐसे सहाबा है जिसका इनकार मुझे दिखा दे अल्लाह के खामोश हो अर्श पर जाएं। ना होने का। हो गया, ये मैं बोलूं सहाबिया आप, ही थी ना भाई, सुने, ये सहाबिया ही थी मैं ना जिसको बोलूं अल्लाह के आप, रसूल ने पूछा था कि आइन अल्लाह, उसने कहा आसमानों के ऊपर है। अच्छा ये कह रहे कि किस सहाबी का अकीदा, बार बार सहाबी एक ऐसा ही अकीदा बात है दिखाया। अभी मैं इब्न अब्बास सामीन। से भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ये अच्छा बंदा खामोश हो भाग जाए, हो चुका गया, है, इज्मा का इनकारी हो गया, काफिर हो गया और जसीम। बार बार बारी बारी से बात कर रहा है हजरत, एक ही ये तो बात भाई कर को रहा हूँ घसीट जसीम भाई घसीट बोले। करके लाता है, दलील इसके पास, इल्म पढ़ा है कि किस सिर्फ मदरसे से इतना पढ़ी मुझे जो पता नहीं वजाहत कर चलता दें मुझे, कि आप इल्म मकान के के आयन से भी कायल बात नहीं हुई। है तो आप अल्लाह के खामोश हो रसूल से जाए ना मकान यार, तो साबित हो गया। खामोश हो जाए ना, जुल्फिकार भाई बस सिर्फ इतना सवाल पूछ खामोश हो लीजिए, ये जाए ना यार, मकान क्यों के, ये बक बक मकान कर के रहा है, इनकारी हैं, मकान के खामोश करो इनकारी ना ने तो यार ये तो इसको, मकान तस्लीम कर लिए। खामोश करो ना यार इसको, खामोश हो गए ये यार ये, खामोश हूँ, लेकिन समझ दलील वही आनी चाहिए जो मैं मांग रहा हूँ, उधर उधर ना भागना। हाँ खामोश हो जाए, मकान के इनकारी थे या मकान खामोश हो साबित हो जाए। गया आसमान, क्यों दलील कौन खामोश जाहिल से ऐसी बात करवाता है यार। बहरहाल देखिए कैसा खामोश हो कुलहबास है, जाए। जो मद्दे मुकाबिल मेरे गैर मुकलिद जो हजरत हैं, आपसे मैं कहता हूँ कुरान शरीफ खोल लें, मैं कुरान की दलील अभी पेश, कुरान से तो मैं बाहर निकला ही नहीं हूँ, हदीस की तरफ आऊंगा तो हदीसों का अंबार लादने शुरू करूंगा इंशाल्लाह अजीज, रहने दीजिए। सिर्फ इशारतन मैं बात किया बगैर रेफरेंस के, हदीस की तरफ इशारतन, इसे अकीदा इनके अकीदा अर्श पर है गैर मुकलिदीन का, और हदीस में तो वो इशारतन मैं बताया था जिसको ये आसमान पर जिसको रसूलुल्लाह से साबित है बांदी के मुताबिक। मैं इनसे कहता हूं आप जनाब पारा नंबर 2 खोल लें, सूरह बकरा,
भाई आप खोलिए ना, जो दलील आप दे रहे हैं। सूरह बकरा खोलें, आप खुद पढ़ें आयत नंबर 184, ताकि कुरान के मुताबिक आपका अकीदा बनाएं, ना कि कोई इमाम या कोई मजहूल शख्स बयान कर दिया हो उसके मुताबिक आप अकीदा बना रहे हो। अकीदा कुरान और हदीस से बनते हैं, ना कि इमामों से। आपको इतनी भी तमीज नहीं है, और ये इमाम का इजमा है, ये है फलान। हाँ, पहले नंबर तो आपके मुकल्लिद अगर बढ़ाते तो मैं सुनता वो दलील, लेकिन आप गैर मुकल्लिद होकर के ताज्जुब है मा हसन व हसन भी। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि आप इमाम के कौल को हुज्जत बनाकर पेश कर रहे हो। आप अपने धर्म का ही अपने धर्म पर जूते मार रहे हो और अपने ही धर्म को की लुटिया गर्क कर रहे हो। आयत नंबर 184 खोल लें, खोलिए भैया। आप पढ़िए ना, मुझसे क्यों पढ़वा रहे हैं? देखिए मैं तर्जुमा ही बता नहीं आता क्या? देखिए नहीं, कुरान की आयत पढ़े भाई, तर्जुमा नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। देखिए है 184, ऐ महबूब जब तुमसे मेरे बंदे मुझसे पूछें तुम में तो मैं नजदीक हूँ, यानी मेरे बारे में जब पूछे अल्लाह तबारक व ताला, इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, तो मैं करीब हूँ, नजदीक हूँ, दुआ कबूल करता हूँ, व उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी, दुआ कबूल करता हूँ पुकारने वालों की जब मुझे पुकारे, तो उन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाए, है ना? तो आप अल्लाह का हुक्म मानो कि अल्लाह तबारक व ताला करीब है। इस आयत में आप कह रहे हो कि अल्लाह तबारक व ताला को जो अर्श पे ना माने, यानी एक आसमान की सफर दूरी बताया 500 साल, और दूसरे आसमान की मोटाई, पहले आसमान की मोटाई भी 500 साल, या इसी तरह 500 साल चलते जाइए, जैसे रसूलुल्लाह का फरमान बुखारी शरीफ में मौजूद है कि कई हजारों साल की सफर, यानी सिदरतुल मुंतहा। तो बताइए कर और एक आयत खोलें, आयत नंबर 115 सूरतुल बकरा। एक पे बात हो जाए भाई, एक जी पे जी बात मैं, हो जाए। आप खामोश रहें, मेरे वक्त में ना बोलें, मैं हवाला दे रहा हूं। मैं एक एक मिनट टॉपिक पे, एक एक आयत पे बात हो जाए ना भाई। पहले नंबर पूरे पहले एक बात पूरे मैं सुन लीजिए पहले। हेलो, अरे भाई इतना आवाज आ रही है, आप एक एक से बात करें। अभी एक मिनट भी बोला नहीं हूँ, आप पूरे बीच में टांग ना आ रहा है। फाइनमा तवल्लु फसमा वजहुल्लाह, तो तुम जिधर मुंह करो उधर ही अल्लाह खुदा की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जा है। कुरान मजीद में इशाद हुआ, ये आयत मैंने 115 का पढ़ा, और आयत नंबर 7 सूरतुल मुजादिला में तर्जमा ही पढ़ रहा हूँ। जहाँ कहीं तीन शख्स सरगोशी कर रहे हों वहाँ चौथा वो मौजूद होता है, ये और पांच हो तो छठा वो होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत होता है, और ना उससे कम और ना उससे ज्यादा की, मगर ये कि वो उसके साथ है जहां कहीं हो, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हाजिर व नाजिर होने का, यानी हाजिर का सबूत दिया है। वनहनु अक्रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, आयत नंबर 85 पारा नंबर 27 सूरतुल वाकिया में देखिएगा, और हम उसके ज्यादा करीब पास हैं तुमसे, मगर तुम निगाह निगाह यानी तुम्हारी आंखें नहीं देखती। वा अमिन तुम मन फिस्समाई अन यखसब बिकुम अल-अर्ध फइज़ा हिया तमूर, ये सूरतुल मुल्क में 29वां पारा आयत नंबर 16 में, क्या तुम उससे निडर हो गए जिसकी सल्तनत आसमान में है तुम्हें जमीन में धंसा दे जब ही वो कांपती है, यानी यहां पर भी नजदीक होने का आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत और इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहु फिस्समाई व फिल अर्ध यालमु सिर सिर रकुम व जह रकुम व यालमु मा तकसिबून, यानी सूरतुल अनाम में आयत नंबर 3 में पारा नंबर 7 में, और वही है अल्लाह आसमान और जमीन का, तो उसे तुम्हारा छुपा और जाहिर सब मालूम है और तुम्हारे काम जानता है। अर रहमान अल अर्शिश तवा, ये तो तुम्हारी दलील जो इसको कजी जिस पर यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद खुद फरमाया है कि आली इमरान में आयत नंबर 7 में, जिनकी दिलों में कजी है वो मुश्ताबे वाली के आयतों के पीछे पड़े हुए होते हैं, गुमराही चाहने वाले इसके पहलू ढूंढते हैं ढूंढने की, और वो उसका भाई हो गई यार, कितनी लंबी पहलू अल्लाह ही को मालूम है। बात पूरी करो,
पुख्ता इल्म वाले कहते हैं कि हम उस पर ईमान लाए, सब हमारे रब के पास है और इस नसीहत नहीं मानते हैं मगर बेअकल, ये बदतमीज लोग जो होते हैं आयत मुतशाबह से बेअकल लोग अकीदा बनाते हैं और आयत मुहकम को छोड़ देते हैं। तो इन आयतों का आप क्या करेंगे जो करीब अल्लाह तबारक व तआला की जात बताएं। पहली बात तो इनकी गुस्ताखी कि ये मुझे तो लगता था कि सहाबा के भी गुस्ताख है लेकिन ये मुहद्दिसीन के भी गुस्ताख है। इमाम इब्ने बत्ता को कहते हैं कि मजहूल शख्स था, इमाम इब्ने बत्ता को मजहूल शख्स कह दिया, हालांकि अहले सुन्नत वल जमात का इत्तेफाकी और मुसल्लम वो इमाम है। उनको कह रहे हैं कि मजहूल की दलाइल पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जो इजमा पेश कर रहे हैं वो अल्लाह के रसूल से करें, कुरान से करें, हदीस से करें। इन 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 मैं समझता हूँ कि मैं तो सोच रहा बहुत बड़े फिक्र के इमाम होंगे लेकिन इनको इतनी तमीज नहीं है कि इजमा तीसरे नंबर पर आता है, कुरान फिर हदीस, और हदीस में ना मिले तो फिर किसी मसाले पर इजमा होता। इजमा कहते ही उसको हैं जो कुरान और हदीस में मौजूद ना हो किसी मसाले पर, इस पर इत्तेहाद करके इजमा कर लिया जाए। ये बंदा कह रहा है कि अल्लाह के रसूल से इजमा दिखाओ, अगर अल्लाह के रसूल से दलील आ गई तो इजमा क्यों दिखाएंगे, वो तो दलील होगी, दलील नस होगी। कह रहे हैं कि इजमा दिखाओ रसूल से, अजीब वाले, इजमा होता ही बाद में से साबित ना हो तभी तो इजमा होता है। इसकी दलील है माज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कई मकामात पर ये हदीसें आती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किससे फैसला करो कि मैं कुरान से करूंगा, कुरान में ना मिले तो फिर कहे हदीस से, हदीस में ना मिले तो फिर मैं इस्तिहादी राय रखूंगा अपनी। इससे बात वाज़ह होती है कि कुरान के बाद हदीस, हदीस के बाद इस्तिहाद, यानी इजमा की दलील अल्लाह के रसूल बता रहे हैं। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला यजमाउल्लाहु उम्मते अला जलालतन बदन व यदुल्लाहु अल जमा, मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं होगी क्योंकि उस पर अल्लाह तबारक व तआला का हाथ है यानी कुदरत है। इससे बात वाज़े हो गई, कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह से इजमा दिखाओ, पर रसूलुल्लाह से इजमा की दलील दिखाऊंगा लेकिन इजमा तो बाद में ही होगा ना रसूलुल्लाह के बाद। अगर रसूलुल्लाह से इजमा की दलील आ गई तो वो इजमा नहीं होगा, वो दलील कहलाएगी। इजमा उसको कहते हैं जो कुरान हदीस में हो ना, बाद में उस चीज पर इजमा हो। जैसे कि आज इस चीज पर इजमा हुआ है कि गाय की कैटेगरी में भैंस मौजूद है, रसूलुल्लाह के दौर में भैंस मौजूद नहीं थी, इसलिए इस पर इजमा हुआ है इसकी कुर्बानी के ऊपर। इमाम मुनजरी रहिमहुल्लाह ने इसमें इजमा नकल किया है, इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस पर इजमा नकल किया है। इनको इजमा की तारीफ नहीं पता, कह रहे कि नबी थे, और नबी से दिखाता था फिर वो दलील होती, इजमा नहीं होता। दूसरी बात कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे करीब है। दूसरी आयत पढ़ी उसमें मुजादिला से कि तुम तीन चरगोशी हो तो अल्लाह ताला भी उसमें मौजूद होता है। तीन चार आयत पढ़ी जिससे वाजे करने की कोशिश की कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे साथ है, हम जहां कहीं भी होते वह माकुम ऐन माकुंतुम, तुम जहां कहीं भी हो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। देखें इन्होंने पहले तो मका का इनकार किया कि हम मका के इनकार करते हैं, जहां हम हैं अल्लाह हमारे साथ है, तो इन्होंने मकान तस्लीम किया है नहीं, क्योंकि हम तो मका के अंदर है ना। अब इन्होंने खुद इस चार आयतों को पेश करके अपने दावे की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अभी तक ये मकान का इनकार कर रहे थे, अब ये मान चुके हैं कि अल्लाह ताला हमारे साथ मौजूद है, हमारे करीब है, तो हमारे करीब है यानी वो मकान के अंदर आ गया। तो इनकी जितनी भी दलाइल थी उसकी नफी कर दी इन्होंने खुद, और अपने दावे में तारुस पैदा कर दिया। अभी तक मकान के इनकार है, अब मका का भी इन्होंने तस्लीम कर लिया कि अल्लाह हमारे साथ है, तुम तीसरे नहीं होते, चौथा अल्लाह होता है। इससे बात वाज़े हो जाती है कि अल्लाह अगर हमारे साथ है तो मका हो गया। इससे साबित हो गया कि जसीम अख्तर साहब के जो दावा था कि अल्लाह मका से पाक है, ये तो मका में साबित कर दिए। दूसरी बात मैं इनसे एक दलील कहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला रात के चौथाई हिस्से में आसमान दुनिया पर नाजिल होता है। तो बकौल आपके जब अल्लाह ताला पहले से ही इस दुनिया के कायनात के अंदर मौजूद है, हमारे साथ है, तो फिर नुजूल का क्या माना है? जब अल्लाह पहले से ही मौजूद है फिर नाजिल क्यों होता है? इसकी थोड़ी वजाहत कर दें। अल्लाह ताला तो नाजिल हो रहा है रात के चौथाई हिस्से में, तो नाजिल चीज वही होती है जो चीज ऊपर हो। इससे हमारा दावा साबित हुआ कि अल्लाह ताला आसमान पर और आसमान के ऊपर अर्श पर मुस्तवी है, वहीं से वो नाजिल होता है। रहा इनका ये कहना कि अल्लाह ताला करीब है, अल्लाह ताला करीब है, अल्लाह ताला करीब है, तो ये जान लीजिए वो इल्म के एतबार से है। कहीं पर भी इन्होंने जात की वजाहत नहीं की कि अल्लाह जात के एतबार से हमारे साथ है। अगर अल्लाह जात के एतबार से हमारे साथ होगा तो दो तीसरा तीसरे के साथ चौथा अल्लाह होता है। दुनिया के अंदर ना जाने कितनी मजलिसें मौजूद है कि वहां पे अल्लाह ताला कहीं पर आ जाएंगे।
बहुत सारे सवालात अंबार लगा दिए आप, दलाइल जीरो बटा धज्जियां उड़ सन्नाटा, रही हैं आपने आपकी। अकीदे के यानी बिल्कुल आपने अकीदा को वजाहत नहीं कर रहे हैं। कभी तो आपने अकीदा अर्श पर बताते हो, कभी आसमान पे बताते हो, कभी नुजूल चौथे आसमान पर नाजिल हो जाता है अल्लाह तबारक व ताला उस पर अकीदा बनाए हो। जब मैं ये आयत पेश की, आप अपने अकायद का मैंने वजाहत नहीं किया, इसमें पेश नहीं बताया नहीं, तो अपने मर्जी से हमको वो बता रहे हो अपने तरफ से कि तोहमत बांध रहे हो कि जसीम अख्तर का अकीदा ऐसा है कि जमीन पे मान लिया, आसमान पे भी मान लिया, माज अल्लाह रबिल आलमीन। हम इल्मियत के एतबार से मानते हैं इन आयतों के इकरार, नूरानियत के एतबार से मानते हैं, इनके इनकार नहीं करते हैं अर्श पर आसमान पर। और माज अल्लाह आप ये भी उसे ये साबित करना चाहे कि अल्लाह तबारक व ताला अर्श पे, जैसे कि इब्ने तैमिया के कौल जो बयान किया था, कभी वो उड़ जाता है आसमान खाली हो जाता है, वो चेयर से उतर जाता है जैसा कि वो बताया, खाली हो जाता है, साबित नहीं है, तो साबित नहीं है। तो आप मिनहाजुस सुन्ना जिल्द नंबर 2 सफा नंबर आप पढ़ें, मैं बता रहा हूं आपको एड्रेस, सफा नंबर 26। और ये भी हदीयतुल महदी में जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 9 ही में देखें ना, अल्लामा वहीदुज़्ज़मा लिख छोड़े हैं इब्ने तैमिया के अकायद को, और ये भी कहें कि अर्श से उतर जाता है चौथे आसमान पे। तो आपका अकीदा और अजान देना आप लोग आज ही से बंद कर दो, इसलिए कि अजान में अल्लाहु अकबर कहते हैं, अकबर से मुराद है तमाम मुसलमान जो मुराद लेते हैं, अल्लाहु अकबरु मिन कुल्ली शय, इन तमाम चीजों से अल्लाह तबारक व तआला बड़ा है। और आप लोग महदूद करके रखे हो इब्ने तैमिया के बातिल अकायद को गढ़ करके, यानी आसमान के बराबर मानते हो आप लोग, जैसा कि उनके आप लोगों की किताबों में है। बहरहाल तो ये अकीदा बातिल है, जैसा कि हमारा अहले सुन्नत का इत्तफाकी अकीदा, इत्तफाक बिल इजमा इस पर है कि अल्लाह तबारक व तआला की जात जैसे मखलूक पैदा करने से पहले जमाने और मकान से पाक था, उसी तरह से आज भी है, किसी का मोहताज नहीं। आप अर्श के कभी मोहताज करते हो और अर्श पे अर्श का उसमें बैठने के कायल हो, कभी खाली करने के भी कायल मानते हो और उसके मुनकिर को काफिर करते हो, और ये आयत मुतशाबिहात से अपना अकीदा बनाते हो, और आयत मुतशाबिहात से जैसा कि आले इमरान का मैंने हवाला दिया आपको, 7 आयत नंबर 7 में तीसरा सूरा है, पारा नंबर 3 में देखें, आयत मुतशाबिहात से जो अकीदा बनाता है अल्लाह तबारक व ताला खुद ऐलान करता है उसके दिल कजी हैं और उसे ईमान उसकी गारत है, लेकिन आप कह रहे हो कि हम ही मुसलमान हैं, हालांकि आपका बातिल अकायद व नजरियात हैं। ऐसे नजरियात से तोबा करें और सलफ सालिहीन और आइमे दीन के तरफ आते हैं, आइमे दीन के तरफ आते हैं, तकलीफ हक को क्यों तस्लीम नहीं करते जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तस्लीम क्यों नहीं करते, सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अब देखें इनके दलाइल का मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो रिकॉर्डिंग सुनेगा वो तस्लीम कर लेगा, आप फैसला ना करें कि किसके दलाइल मजबूत थे। पहले तो इन्होंने शुरू में अपने दावे में मकान का इनकार किया था, लेकिन दलाइल देके कुरान का भी इनकार कर दिया, कह रहे हैं मैंने तो वो आयतें पेश की थी आपके लिए, यानी कुरान मेरे लिए मौजूद है इनके लिए नहीं। जब आप 4 आयतें पेश किए हैं कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, तो वो तो जिहत हो गई ना, जिहत को तस्लीम कर लिया यानी मकान को तस्लीम कर लिया। तो इनकी ये जहालत है, मैं समझूंगा कि इनको बिल्कुल भी इल्म नहीं है मकान कहते किसको है। जब इन्होंने मान लिया कि अल्लाह हमारे साथ मौजूद है तो वो जिहत मान गए। अब यानी अल्लाह हमारे साथ मौजूद है यानी मकान है उसका, मकान है उसका, नूर के एतबार से या इल्म के एतबार से माने वो भी बता देना जरा, हमारा ये ना बिल्कुल बता नहीं की है? किस एतबार से माने अभी आपने वजाहत नहीं की। कान साफ करें यार, मैं कुछ बातें बोलूं तो गौर से सुने, अपने लकीर जिद हर धर्मी ना पड़े। इस बात को वादे किया है कि मैं नूर के एतबार से मानता हूं, पूरे नूरानियत के एतबार से बिल्कुल मानते हैं, इल्म के एतबार से बिल्कुल मानते हैं, करीब है, ज्यादा से ज्यादा करीब है। यानी आप अल्लाह, आपने कहा कि मैं इल्म के एतबार से अल्लाह को मानता हूँ, ठीक, यही अकीदा है आपका जी, बिल्कुल नूरानियत के जात के एतबार से नहीं मानते जी, जात के एतबार से बिल्कुल जगह में नहीं मानते। माशाल्लाह, अब मुझे इतना बता दें, आपने इस बात को माना कि आप अल्लाह तबारक व तआला को इल्म के एतबार से हर जगह मानते हैं, जात के एतबार से नहीं मानते। अब मुझे बता दें कि अल्लाह के अल्लाह का अल्लाह की जो जात है और अल्लाह का जो इल्म है वो उससे अलग है या मुत्तसिफ है, किसे है,
किसे अलग है कि अल्लाह की जात जो है, अल्लाह का इल्म जो है वो एक जगह है या अलग अलग है? यानी जैसे कि जसीम साहब है, जसीम साहब की जात है और जसीम साहब का इल्म है, किस तो बारे में इल्म आपकी जात से अलग है? संभल के बात करो, अल्लाह की जात के मुतालिक बात कर रहे हो, कोई मखलूक के बात की तरह आप बात ना करें। अल्लाह तबारक अल्लाह तबारक वाला का इल्म है ना, अनलिमिटेड है भाई, मखलूकों के अल्लाह का इल्म माना ना आप, अल्लाह ताला को माने या नहीं? अरे जसीम का इल्म हासिल करें आप, तौहीद का अल्लाह बता रहे हैं इल्म के एतबार से साथ है ना, तौहीद के मुतालिक कुछ भी इल्म नहीं आपको, इल्म जो है जो रटा दिया है वो रटा है, अल्लाह की जात से अलग है। अल्लाह की जात से अगर कहेंगे अल्लाह तबारक व ताला इल्म, जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ मैं हूँ अभी, अब मैं पंजाब को जान रहा हूँ, कौन जगह कहाँ है, कौन जगह कहाँ है जान रहा हूँ, बिल्कुल जान रहा हूँ मैं, तो आप कह रहे हो मखलूक के जैसा आप समझ रहे हो, आप मान गए कि अल्लाह ताला एक जगह रहकर भी, एक जगह रहकर भी जानता है, मान गए आप माशाल्लाह, कौन एक जगह रह करके, यानी अल्लाह तबारक व ताला की, यानी आप अभी देखिए फिर भी जगह पर मौजूद हैं, अभी आप मौजूद हैं, आप और उसको जानते हैं, भाई आप बताइए अल्लाह का इल्म अल्लाह के जात से अलग है क्या? अल्लाह की इल्म अल्लाह की जात से अलग है, फिर मखलूक के जैसा बात कर रहे हो तुम? मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो अल्लाह का नाम ले रहा हूँ, मखलूक अल्लाह क्या? जात के बारे में संभल करके बात करो, आपने ये कहा कि अल्लाह ताला का इल्म जो है हर जगह मौजूद है, तो मुझे बताएं अल्लाह का इल्म अल्लाह की जात से अलग है? अल्लाह तबारक व ताला की इल्म अल्लाह तबारक व ताला की जात से अलग है, यानी मखलूक के जैसा आप देखना चाह रहे हो? मैं मखलूक का नाम ही नहीं ले रहा मैं, कि आपने कहा अल्लाह की, अल्लाह का इल्म हर जगह मौजूद है, वही पूछ रहा हूँ अल्लाह का इल्म अल्लाह की जात से अलग है? हाँ बताएं, आप बोल लें पहले, अलग है अलग है। देखिए जसीम साहब ने अब बहुत बुरा फंस गए माशाल्लाह, सुन लीजिए, हाँ मखलूकों के जैसा बात ना करें अल्लाह तबारक की जात के मुतालिक, वरना सख्त अल्फाज मेरे तरफ से। देखें इन्होंने एक बात कही है कि ये जो है अल्लाह तबारक व ताला को इल्म के एतबार से हर जगह मानते हैं, नूरानियत के एतबार से अल्लाह को हर जगह मानते हैं, जात के एतबार से कहते हैं कि मेरा कोई अकीदा नहीं है। मैंने इनसे सिंपल सा सवाल किया है कि अल्लाह ताला का इल्म जो है वो उसकी जात से अलग है या जात से मुत्तसिफ है? अगर ये कहते हैं कि अल्लाह का इल्म अल्लाह की जात से अलग है, तो इस पर ये बताएं अगर अल्लाह के इल्म को अल्लाह के जात से मुत्तसिफ यानी मिला हुआ मानते हैं, तो वो भैया मुझे वाजे कर दें, तो फिर अल्लाह ताला तो आपके बकौल फिर जात के एतबार से हर जगह हुआ, क्योंकि अल्लाह का इल्म अल्लाह की जात से अलग नहीं है। हाँ, इसका जवाब दे दें, खामोश हो जाए। अल्लाह तबारक व ताला के जानना और तमाम वो अल्लाह तबारक व ताला की तमाम मखलूकात को इल्म के से नूरानियत से अपनी मारिफत से घेरे हुए। अब रही बात की अल्लाह तबारक व ताला की इल्म सिफत है या गैर सिफत है, इस पे आप अलग मौजू उठाने की कोशिश की है, हालांकि भाई मैं सिंपल कर रहा हूँ कि अल्लाह का इल्म जो है अल्लाह की जात से अलग है, मुत्तसिफ है। जसीम साहब इसका जवाब दें, मैं बता रहा हूँ, जुल्फिकार भाई सुनना चाहते हैं कि अल्लाह का इल्म अल्लाह की जात से अलग है या मिला हुआ है? अल्लाह तबारक व ताला की जात से अलग है या उसके साथ है, कह करके आप बयान करना चाह रहे हैं। यानी जब सिफत मानोगे तो सिफत किसी का मौसूफ के बगैर सिफत कायम नहीं, और सिफत के बगैर मौसूफ कायम नहीं, तो अल्लाह तबारक व ताला की इल्म की सिफत वो करार देते हैं। तो इतनी सारी चीजें जो मैंने बयान किया रब्बुल इज्जत के ताल्लुक से, मैं बताया आपको, हम मानते हैं कि अल्लाह के लिए आप लोगों का जो अकीदा है कि अब हम लोग, अरे भाई इतना बताइए अल्लाह का इल्म को माने कि अल्लाह की जात से अलग नहीं है? मेरे मेरे बात जब मुकम्मल हो जाए ना, आपने इस चीज को माना है कि मेरी बात मौसूफ है और इल्म उसकी सिफत है, मेरी बात सुनोगे? इतना लंबा कर रहे हैं जुल्फिकार भाई, इतना लंबा क्यों कर रहे हैं? मेरा सीधा सा जवाब दे, बस से बात कर रहा है यार, खामोशी मुख्तसर बात कर, मुख्तसर अल्लाह का इल्म जो है अल्लाह की जात से अलग है या साथ में वो बता दे बस, इतना लंबा क्यों कर रहे हैं? देखिए इस बेवकूफ को इतने भी खबर नहीं है, मेरा अकीदा और आपका अकीदा क्या है वो छोड़ दे, अल्लाह का इल्म अल्लाह की जात से अलग है तो बता दीजिए। तुम्हारा अकीदा गलीज है, तुम अर्श पर मानते हो, आसमान को हदीस में पेश कर रहे हो, तुम्हारा अकीदा की मुनाफी है वो, हदीस के मुखल्लिफ का दुश्मन है, हालांकि तुमने कहा कि आज इल्म अल्लाह की जात से अलग है, बता दे बस, इतना सा बस, इसको लायक माने यार, ये मुनाज़रा लायक खत्म हो जाएगा, ये लायक नहीं है इस बात का, भाई मैं इनसे सवाल कर रहा हूं, नहीं होगा कहां कहां पूछ रहे हैं, मैं सवाल खामोश नहीं होगा, जवाब लोकी का दे रहे हैं ये, जब इनका अकीदा इतने बातिल और घिनौना है, अर्श के ऊपर मानता है, और इब्ने तैमिया का जो कौल और अकीदा गढ़ा है कि अर्श के अलावा जो माने वो काफी है, अल्लाह का इल्म अल्लाह की जात
पे मानता है या आसमान पे मानता है? आसमान में दूसरी मखलूक है, अर्श दूसरा मखलूक है। अब रही बात के हमारे अकीदे के मुताबिक, देखिए इन्होंने माना कि अल्लाह का इल्म अल्लाह की जात से अलग नहीं है, तो ये तो हर बात बयान किया गया कि अल्लाह का इल्म अल्लाह की जात से अलग नहीं, यानी अल्लाह जात के इतबार के साथ में। माशाल्लाह, इसको लात मारिए। इसका अकीदा हम बिल्कुल अच्छी तरह वाकिफ हैं कि लोग अहले हदीस लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत यार मोहम्मद रजा तुम बहस करे यार कम से कम बात तो करें, बात इनकी तमीज नहीं है। इल्म वालों से जब बात करें तो अच्छे से बात करना चाहिए, है ना, ताकि हवाले से बात करना चाहिए। अपनी जिद और हट धर्मी से जो कायम है, हम नहीं पसंद करते हैं इसी बातें, बल्कि हवाले जात से। मैं तो कुरान से हदीस की तरफ आया ही नहीं था अभी, समझे? इसलिए इन लोगों का अकीदा बातिल है। इन लोगों के अकीदा से हम लोग, हमारा कोई सरोकार नहीं है। जैसा आज अल्लाह तबारक व ताला के वजन से चर चर करता है ना आसमान, इनका अकीदा है पूछे गए अर्श चर चर करता है। आठ फरिश्ते उठाए हैं, कुरान में मौजूद है, कुरान की दलील दिया। तो ये भी इकरार नहीं किया ये हम रजा कि अल्लाह तबारक व ताला के वजन को उठाया, नहीं नहीं बताएगा वो आवाम को, गुमराह करता जाएगा। और कयामत के दिन करीब में जब फरिश्ते आसमान जब टूटते होंगे, फिर चांद सितारे खत्म होते होंगे, उस वक्त आठ फरिश्ते, तो मैं पूछा इससे क्या उस दिन अल्लाह को वजन बढ़ जाएगा कि आठ फरिश्ते उठाए, उसको भी नहीं बताया। इस तरफ इस तरफ घुमाने में लोगों को जिसे बेवकूफ समझता है उस तरह से घुमाता है। तो इन लोगों के अकीदा इतना बातिल है, कुरान और हदीस के सरासर बातिल है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को इनकी बातिल अकायद व नजरियात से, खासकर गैर मुकल्लिदीन नाम निहाद अहले हदीस से लोगों को बचाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।